आंखें दिखाना अपनी, इसकी आंखें बिल्कुल ना वैसी से। आज इनका नया साल हुआ है, 2081 चल रहा है भाई नेपाल में। आपका नाम क्या है? रशियंस की आंखें होती है कंजी कंजी, वैसी आंखें। हाइट देखो इनकी, 6'3" ये देखो यहाँ तक हाइट है, ऊपर छज्जे तक। तुम्हारा ऊपर वाला माला खाली लग रहा है। न्यू ईयर के प्लान बताओ, क्या प्लान है? मम्मी आएगा, इधर ही बैठेगा, मौज करेगा। दुकान है? ये कैसी दुकान है? यहाँ से ये सामने दुकान है, ये भैया सब कुछ हम यहाँ से ले सकते हैं। ये बढ़िया जुगाड़ है यार। मतलब यहाँ पे अपना रूम है और रूम के बगल में यहाँ पे देखो ये अंकल जी की दुकान। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? नमस्कार, ठीक है ठीक है। ठीक हो? अभी हम भी यहीं से सामान लिया करेंगे। ठीक है, ओके जी भाई, बढ़िया। तो भाई आपको मिलवाते हैं हमारे नुमान भाई से। नुमान भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो नुमान भाई ना हमारे पिछले 6 महीने से नेपाल में पड़े हुए, नेपाल के मजे ले रहे हैं। नुमान भाई ऐसा क्या मन लग गया तुम्हारा कि तुम्हारा पाकिस्तान जाने का मन नहीं कर रहा हो? इतना मेरा मन लगा हुआ है यहाँ पे, इतने प्यारे लोग हैं। इतने प्यारे हैं और मौसम भी अच्छा है, इसलिए मेरा प्यारे हैं कि प्यारी लोग हैं? प्यारी सब शामिल हो जाते हैं ना। तुम्हें प्यारे नहीं प्यारी ज्यादा पसंद होगा ना। चलो ठीक है, बढ़िया। अभी नुमान भाई ना दूध लेके आ रहे चाय बनाने के लिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई कल की जो मेरी रात है ना भाई, इस रूम पे निकली है। ये ना हमारे नुमान भाई का रूम है, इन्होंने ये रूम ना भाड़े पे लिया हुआ है, महीने के हिसाब से 18,000 रुपये इस रूम का देते हैं। तो बाकी जितना भी हॉस्टल में जो रूम है ना, सबसे लग्जरी रूम यही है, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो है, अंदर लैट्रिन बाथरूम भी है। जितने दिन मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं नुमान भाई के साथ पे रह लूंगा। एक बार यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार यहाँ पे। नुमान भाई थोड़े रंगीले आदमी है, इनकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स आती रहती है ना, तो इसलिए मैंने रूम लिया हुआ है यहाँ पे, डबल बेड वाला। ठीक है, तो अभी मैं आपको बाहर से प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद आज का दिन तो भाई बस आराम करेंगे, रूम पे ही रहेंगे, कहीं जाने नहीं वाले हैं। बहुत ज्यादा थक भी गए हैं, और वीडियो भी मेरे को एडिट करनी है, 3-4 वीडियो एडिट करके उसके बाद हम लिख लेंगे। नुमान भाई गए यहाँ पे किचन में चाय बनाने के लिए। किचन ना यहाँ पे है अपना सेपरेट किचन है, खुद ही चाय बना लो, खाना बना लो, जो बना बना सकते हो। जब तक वो चाय बना के आते ना, मैं अपनी थोड़ी वीडियो एडिट कर लेता हूँ, और वो वीडियो डालनी भी है यार, क्योंकि अभी ना मैंने अल्टरनेटिव पे वीडियो डाल रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ। अभी टाइम टेबल सेट नहीं हुआ, एक बार टाइम टेबल सेट हो जाए ना, उसके बाद डेली उसी टाइम पे वीडियोस आए करेंगे। नुमान भाई हमारा ब्रेकफास्ट बना के लेके आ गए, क्या बात है, पतीला ही लिया है साथ में उठा के। क्या बात है, क्या क्या बनाया? अंडा और चाय, क्या बात है। हमारे नुमान भाई कुक भी हैं, अरे वाह, रोटी भी बना ली, चलो बढ़िया। लो भाई, एक दूसरे कंट्री में हमारे पाकिस्तानी भाई मिले और हमको ऐसे बैठा के मतलब बिस्तर में खाना दे रहे भाई, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो ठीक है, आज पहला दिन है ना, भाई खातिरदारी कर रहे हैं। बाकी हम जब तक भाई के साथ में रहेंगे, हम भी कुकिंग करेंगे साथ में, बिल्कुल साथ देंगे भाई का। अभी चाय पीते हैं, भाई ने चाय बनाई है बिल्कुल बढ़िया। छोटू इधर देख, तेरा नाम क्या है? तू तो बड़ा गोलू मोलू है, इधर इधर दिखा अपना चेहरा। मोटू पतलू, तेरा नाम मोटू है? नाम बता अपना, चल नाम बता, क्या नाम है? बोलता नहीं है तू? ओए गोलू, ओए गोलू, गोलू क्या कर रहे हो तू, क्या गेम देख रहा है? और ये कौन है? ओए ये कौन है भाई? क्या नाम है तेरा? तेरे बाल तो ऋतिक रोशन जैसे हैं भाई। तेरा नाम क्या? जूली। और ये कैसे बाल हैं भाई तेरे, जूली? तो भाई जी ये हमारा हॉस्टल है। कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था और अपने भाई के साथ में मैं रूम पे रह गया था, और अभी सुबह मैं उठा भाई ब्रश करने के लिए, तो पता लगा भाई मेरे बैग में से ना ब्रश पता नहीं कहाँ गिर गया है। तो अभी चल रहे हैं दुकान पे, यहाँ पे पास में दुकान है, ब्रश लेके आते हैं चले। अच्छा इधर खोपचे से रास्ता है, क्या बात है भाई को इधर के सारे इन आउट सब पता है, सीक्रेट रास्ते है। ये देखो कहाँ से ले जा रहा भाई मेरे को, बंद गली से। क्या बात है,
ये देखो भाई कहाँ से ले जा रहा भाई, चल जाओ। ये दुकान में जाने का रास्ता है, रास्ते की दुकान में ऐसी सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। टीका तो बहुत बड़ा लगा लिया आपने। अच्छा अच्छा, मैं हैप्पी न्यू ईयर इंडिया का ग्राहक लाया हूँ आपके लिए। ये क्या मुर्गा उर्गा काटने रखा हुआ है क्या? मुर्गा हर चीज काटते हैं। अच्छा क्या बात है, आदमी कट जाएगा इससे? ये करने से तो बैन नहीं होता ना, ना आदमी कट जाएगा इससे? कट जाएगा। रखना रखना करता नहीं था। काटा तुमने कभी? नहीं काटा, नहीं ट्राई। सही बात है, तो वो तो मुर्गी की भी जान होती है, क्यों काटते हैं? नहीं नहीं काटते, वो पहले से वो कटा हुआ। तुम टुकड़ा करते हो, बोटी बोटी? हाँ बोटी बोटी करते। चलो। नहीं करते, पापा करते हैं। अच्छा मेरे को एक ना वो दे दो। क्या प्लान है जी, न्यू ईयर के प्लान बताओ, क्या प्लान है? इधर ही बैठेगा, खाएगा, मौज करेगा, सो जाएगा। हम भी कुछ ऐसे ही करेगा, वही मेरे को एक वो दे दो, ब्रश ब्रश और टूथपेस्ट टूथपेस्ट भी। कोलगेट वाइट में, स्मॉल वन ओके? हाँ स्मॉल वन, यस। दिस इज सॉफ्ट, सॉफ्ट ही चलेगा, क्या बात है। आठ से वो दस से लगातार आएगा ना, ये सब। ये भाई हमारे हॉस्टल का पीछे का एरिया देख रहे हो, और ये सारा भाई पोखरा ना, मतलब एक वैली है, चारों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ों के बीचों बीच गिरा हुआ है। और ये देख रहे हो झोपड़ी सी जो बनी हुई है, ये हमारा हॉस्टल है। और ये वाला अपना रूम है, तो ये खिड़की आप जो देख रहे हो। सो गाइज अभी ना मैं अपने रूम से निकल के आया हूँ भाई बाहर खाना खाने के लिए। नोमैन भाई मेरे को लेके आए हैं किसी यहाँ पे, डेली ये खाना खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम आए हैं मोमोज खाने के लिए। मोमोज ही खिलाओगे, उसके अलावा कुछ खिलाओगे? उसके अलावा जो दिल करेगा हम खाएंगे, उसके अलावा और भी कुछ खाएंगे। चलो ठीक है। और ना इनकी ये शॉप है। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का, और ये लड़की मुँह क्यों छुपा रही है? हेलो रिया, रिया अपना एक बार आंखें दिखाना। हाँ तुम मुँह क्यों छुपा रहे थे? इसकी आंखें देखो यार कितनी प्यारी हैं। दिखाना आंखें, दिखाना अपनी। इसकी आंखें बिल्कुल ना वैसी जैसे रशियंस की आंखें होती हैं, कंजी कंजी वैसी आंखें हैं। आंखें तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। तुम्हें पता है तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं? नहीं पता? बोलते क्यों नहीं तुम, कुछ बात नहीं करती है ये? आपका नाम क्या है? ऐसे बोलो मेरा नाम रिया है। इतना ही बोल रही रिया। शर्मा रिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? एट में पढ़ते हो, क्या बात है। स्कूल कौन सा स्कूल? यही नेपाल में। तुम्हारी मम्मी पापा की भी आंखें ऐसी हैं? बाबा की, बाबा मतलब दादाजी, उनकी आंखें ऐसी हैं, क्या बात। और भाई की भी तुम्हारी ऐसी हैं, क्या बात है। बहुत अच्छी आंखें तुम्हारी। काम करते हैं, मोमोज वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे ना नेपाल में लोग ना बफ मोमोज और चिकन मोमोज बहुत ज़्यादा खाते हैं। अपन वेज या चिकन खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ना आज भाई नेपाल में न्यू ईयर है, न्यू ईयर है ना आज। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे 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 चैनल के बारे में हैप्पी न्यू ईयर। भाई जी हम आए तो यहाँ पे मोमोज खाने थे, मोमोज हमने खा लिए हैं। मोमोज के बाद ना हम लोग परांठा खा रहे हैं, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और इसके बाद ना हम लोग यहाँ पे ना लेक साइड एक उस तरफ को निकल जाएंगे, आपको लेक साइड दिखाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? तो भाई मोमोज वगैरह खा लिए, परांठा खा लिया, अब ना चल रहे हैं थोड़ा लेक साइड की तरफ को। आज थोड़ा इनका फंक्शन है, कुछ न्यू ईयर है आज, आज इनका नया साल हुआ है। 2080 चल रहा है नेपाल में, तो वो कल भी ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी क्राउड था यार। कल तो मैं भाई बहुत ज़्यादा थक गया था। क्या बोल रहे हो? 2081 चल रहा है भाई नेपाल में, हम जी रहे हैं 2024 में, ठीक है। और यहाँ पे ना
मतलब अपने यहाँ पे भी होता है, वो शायद ये हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कि मतलब 2081 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ना यहाँ पे अभी लेक साइड में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा वहाँ पे। तो भाई साहब ये है पोखरा लेक, और पोखरा लेक के बगल में ही ना ये वाला जो एरिया ना, इसको लेक साइड बोलते हैं, और यहाँ की भाई सबसे हैपनिंग जगह है भाई ये। यहाँ पे आ जाओ, बोर नहीं होगे, शाम के टाइम पे ना यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे कई बार आ गया हूँ, आज दोबारा चलते हैं। सब अपना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया है, जितनी भी यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी थी ना, सब लोगों ने अंदर बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। और मौसम देखो यहाँ पे यार कितना खतरनाक हो गया, पानी भाई साहब बड़ी भयंकर तरीके से हिल रहा है भाई। थोड़ी देर में ना बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, आवाज़ें आपको आ रही होंगी भाई। पोखरा लेक के पास ही ना यहाँ पे एक स्केटिंग जोन भी, यहाँ पे सारे बच्चे लोग स्केटिंग कर रहे हैं भाई। मन तो मेरा भी है, लेकिन भाई साहब घुटने बहुत टूटते हैं इधर। ये क्या था तुम्हारी जानकारी का था क्या? मैं कह रहा ये कैसा शौकी आदमी है भाई। तो भाई जी हम ना अभी ना यहाँ पे रोडों पे निकल रहे थे, तो यहाँ पे देखो कुछ ना भाई लोग यहाँ पे खड़े, कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको आगे से, आ जाओ। भाई वो जो मैंने आपको डांस वगैरह दिखाया था ना, वहां से हम थोड़ा सा आगे आए थे, नेपाल की सड़कों पे निकले, तो थोड़ा सा आगे आके ना यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटी चल रही है, लोग ना अपना जो इनका कल्चरल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजा के डांस वांस कर रहे हैं। तो वहां चल के मैं आपको दिखाता हूँ।
हॉस्टल की तरफ निकल रहे थे, बीच में फंक्शन होता हुआ देखा, मजा सा आ गया। मेरे को कल्चरल ऐसे डांस वांस बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ी देर हमने भी डांस कर लिया। इनका ये वाला जो डांस फॉर्म था ना, जैसे अपने पहाड़ी मतलब अपने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के डांस वगैरह होते हैं, उसी टाइप से लोग डांस कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सेम सेम वाली वाइब आ रही थी। तो भाई जी वहाँ पे ना रोड पे हम लोग डांस कर रहे थे, तो वहाँ से ना मैं फिर से पेवा लेके तरफ को आ गया हूँ। और इस टाइम पे क्या ही खूबसूरत हवा चल रही है, मन कर रहा है यहाँ पे आराम से बैठ जाओ और व्यू के मजारे लो यार। ये भाई साहब क्या ही सीन है, क्या मस्त मजारे हो रखे हैं भाई। मेरा तो मन कर रहा है यहाँ पे चारपाई डाल दो, खटिया डाल दो, या कोई कुर्सी डाल दो, मैं तो यही सो जाऊंगा भाई। हाय हाय। तो भाई जी हम लोग ना अपने रिजॉर्ट में वापस आ गए, और देखो बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, पूरे बारिश टप 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 बारिश हो रही है। और हम लोग ना जब आते टाइम ना थोड़ा दूध लेके आ गए थे साथ में चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे नुमान भाई ने चाय बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। नुमान भाई बन गई चाय? बन गई बस यार, बड़ा टाइम लगाते यार तुम। हाँ, टाइम तो लगता है। नुमान भाई देखो, भाई साहब हाइट देखो इनकी 6'3" ये देखो यहाँ तक हाइट है, ऊपर छज्जे तक। तुम्हारा ऊपर वाला माला खाली लग रहा है? खाली हो गया, इसको भरवाओ। कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? फेसबुक की पहली इनकम पे हम। अरे नुमान भाई, भाई साहब किसी अनिल कपूर से कम नहीं लग रहे भाई साहब। खिड़की बंद कर लो तुम्हारे। हमारी चाय बन के तैयार होगी। ये बेल्जियम हमारे लिए बनाइए क्या चाय? नहीं, वो हमारे अंडे भी दिखाओ। हमारे अंडे नहीं है, मुर्गी के अंडे भाई। नुमान भाई तुझसे बड़े मजाकिया हो यार। और भाई साहब बाहर ना बारिश और ज्यादा तेज हो गई, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो सारे मुर्गे उर्गे भी इनके अंदर चले गए, इन्होंने मुर्गे भी रखे हुए ना, कक्कड़नाथ रखे हुए उस तरफ को। सुबह मतलब सुबह सुबह हमारी ना नींद मुर्गियों की आवाज़ से ही खुलती है भाई। तो भाई नुमान भाई ने चाय बना ली और ऐसे ग्लास भी सजा ली है। अब आप सोच रहे होगे भाई साहब हम तो लोग दो हैं, इन्होंने तीन चाय क्यों रखी हुई है। और भाई एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, देखो भाई ना पाकिस्तान से है, और भाई ने भी ऐसे ना बड़े गिलास में स्टील वाले चाय रखी है। जैसे अपने यहाँ पे ही होता पहाड़ों में हम लोग स्टील वाले गिलास में चाय पीते हैं भर भर के, भाई ने वैसे भरा हुआ है। और भाई ने एक गिलास और रखा हुआ छोटा सा। भाई ये किसके लिए? ये मेरी चाइनीज फ्रेंड के लिए। तुम्हारी चाइनीज फ्रेंड के लिए? भाई की ना एक चाइनीज फ्रेंड है यहाँ पे, फ्रेंड बोल लो या कुछ बोल लो। और भाई उसके लिए चाय, बिना बोले चाय लेके बना के उसके लिए। भाई चाय तो हमारी बन गई, और भाई ने ना चाय के साथ में ना अंडे उबाल दिए थे, उबले हुए अंडे। भाई कह रहे हैं हम लोग तो बहुत खाते हैं उबले हुए अंडे चाय के साथ में, आप लोग नहीं खाते? मैं पता नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ये वाला सीन नहीं है। आपके यहाँ कोई मतलब ऐसा चलता है क्या चाय के साथ में उबले हुए अंडे? भाई कह रहा बहुत टेस्टी होते हैं, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। मैं कहा चलो हमने आमलेट तो खाई है भाई चाय के साथ में, लेकिन ऐसे उबले अंडे कभी नहीं खाए। बहुत टेस्टी है। हाँ खा तो ले पहले। ठीक है चलो। वो चाइना वाली मैडम को दे दिया अंडा? क्या बोल रही? अच्छा मतलब मजाक मस्ती अलग है क्या ना भाई की, उनसे ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि भाई की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, भाई का ना बीपी बढ़ गया था। तो यहाँ पे ना भाई और भी लोग थे, लेकिन किसी ने कुछ इतनी हेल्प नहीं करी। वो चाइना वाली लेडी ना मतलब भाग के गई मार्केट में, डॉक्टर के पास जहां भी गई, मतलब कुछ करके ना उससे जो हो पाया उन्होंने किया और इनको ठीक किया भाई। मतलब तो उस दिन के बाद से ना भाई की और वो चाइना वाली मैम की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और इनके में तो वैसे भी अलाउड है ना, एक साल ही तो भाई की हो रखी है। चार अलाउड होती है ना भाई? बिल्कुल चार, मतलब तीन और एक ही कंट्री से करोगे? अलग अलग कंट्री से? अलग अलग कंट्री से। और भाई की एक वाइफ ऑलरेडी है रशिया में, है भाई? कोई उम्मीदवार हुआ इंडिया पाकिस्तान नेपाल से तो मोस्ट वेलकम। खर्चा सारा अफोर्ड करूंगा भाई। शादी करोगे तो अफोर्ड खर्चा करना पड़ेगा, सारा झेलना पड़ेगा भाई साहब। वैसे पहले अभी हल्के हो रखे हैं, और हल्के हो जाओगे कुछ नहीं होता। ट्रेंडो से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन चढ़वाना पड़ेगा फिर। नेपाल में पहला दिन था तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ब्लॉग बनाऊं, कुछ सोचा नहीं हुआ था। बस रैंडम जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं आपको दिखाता गया, कल से प्रॉपर व्लॉग आएंगे भाई, किस तरीके से पूरा अच्छे से क्या क्या दिखाना है पूरा अच्छे से सोच के व्लॉग बनाऊंगा। और कल भी मैं इधर ही हूँ पोखरा में, परसों मैं निकल जाऊंगा भाई मनांग के लिए, तो मनांग के एडवेंचरस व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे भाई, उसको जरूर देखना। क्योंकि भाई मुस्तांग में ना आपको दिखाया था ना, मुस्तांग से भी खतरनाक मनांग है। और मनांग में ऊपर मनांग में ना कम से कम 3 से 4 दिन रुकूंगा, वहाँ के लोकल गांव का लाइफ स्टाइल वो सब आपको दिखाएंगे। और भाई वहाँ पे कैंपिंग करेंगे आपके भाई। बताना व्लॉग में कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो मुझे बताना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाना मेरे भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी के लिए इस व्लॉग को इतना ही रखते, कल मिलते हैं खूबसूरत से व्लॉग के साथ में। तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। क्या घुमक्कड़ इंडियन, बाय बाय।